नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं अंजलि। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर किरीट सोमैया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सोमैया बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन्हें कॉमन्स मैन मैन के नाम से भी जाना जाता है और मुंबई में इन्हें मैन ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम डॉक्टर सोमैया से जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है कांग्रेस के शासनकाल में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कांग्रेस मतलब करप्शन। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को वोट देना और करप्शन को न्योता देना, कितनी समानता है इन दोनों चीजों में? वास्तव में आप देखोगे तो पूरे देश भर में लोग परेशान है, हैरान है महंगाई से जी। और महंगाई का मूल कारण है कि जो सरकार की योजना का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है। मैंने एक छोटा सा कंपाइलेशन किया, ये स्कैम सेट अ ग्लांस, ये देश भर के 15 राज्यों की कांग्रेस और उनके मित्र पक्षों की सरकार और केंद्र की कांग्रेस यूपीए सरकार के घोटाले की कहानी है। ये 2 साल में ये सब घोटाले उजागर हुए, 500 घोटाले इसमें, 500 जी। कुल मिलाकर इसकी टोटल करें तो 10,00,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें केंद्र की कांग्रेस यूपीए सरकार ने जिसके सिर्फ 10 घोटाले, फिर 2G टेलीकॉम होगा या कॉमनवेल्थ गेम CWG घोटाला या खाद्यान्न घोटाला, एयर इंडिया विमान परचेस घोटाला, ऐसे 10 घोटाले की टोटल होती है 5,67,000 करोड़। तो वास्तव में यानी कोई भी योजना हो, कोई भी मंत्री हो, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, वो सबसे पहले हिसाब करता है जितना बड़ा टेंडर होगा उतना ज्यादा मुझे कमीशन मिलेगा। अभी एक नई मैंने ये किताब पब्लिश की है, ये नया रिपोर्ट है, यह है NRHM। NRHM का अर्थ होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और कांग्रेस ने इसका नाम बना दिया कांग्रेस कमीशन। मिशन को भी कमीशन में परिवर्तित करने का काम यह कांग्रेस सरकार कर रही है। इसके कारण कांग्रेस यानी करप्शन। बिल्कुल, कांग्रेस यानी करप्शन, हम भी यही बताना चाह रहे हैं जनता को। सर, आपने जैसे अपनी किताब की बात छेड़ी, आपकी किताब में आपने बोला कि 500 से भी अधिक घोटाले, लगभग 500 घोटाले हैं इसमें, ऐसे क्योंकि इतने घोटाले अभी तक सामने नहीं आए, तो कौन से ऐसे और घोटाले जो अभी तक सामने ही नहीं आए हैं? ज्यादातर लोग 2G स्कैम या फिर CWG इन्हीं में ही अटके रहते हैं। मैं रक्षा मंत्रालय के घोटाले छोटा किस्सा बताता हूं जी। अभी तक रक्षा मंत्रालय की मुंबई के आदर्श की एक ही जमीन का किस्सा बाहर आया है जी। लेकिन रक्षा मंत्रालय की डिफेंस की गत 3 साल में 10,000 करोड़ की भूमि या तो भू माफिया या बिल्डर्स खा गया, और उसमें रक्षा मंत्रालय, वहां के जो भू माफिया है और वहां के राज्य सरकार के महसूल मंत्रालय के लोग, कलेक्टर, तलाटी, तहसीलदार मिलकर लूट रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के घोटाले निकालने के लिए मैं देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा में घुमा। आप जानते हो डिफेंस लैंड कैम सुकना जी। ये बंगाल के आगे पूर्व में, तो पश्चिम में जोधपुर में इसी प्रकार से डिफेंस लैंड कैम हुआ, दक्षिण में हैदराबाद में 1,000 करोड़ की डिफेंस की जमीन 1 करोड़ रुपए में कोई संस्था को दे दी, और ऊपर उत्तर में श्रीनगर एयरपोर्ट जो देश का सबसे सेंसिटिव एयरपोर्ट माना जाता है, जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, वहां पर 200 एकड़ जमीन 2 माफिया को ये कांग्रेस वालों ने दे दी, 1,000 करोड़ रुपए की जमीन दे दी। अब ये सब हमने रक्षा मंत्री एंथनी के साथ जब सामने भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्कैम एक्सपोज टीम ने ये सब घोटाले रखे,
उन्होंने आर्मी को इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, उनका रिपोर्ट आ गया, उसी में यही बात आई। अब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और दो अधिकारियों को अब जेल में डाला। ये तो एक महीना आपको रक्षा मंत्रालय की बात की, एक मंत्रालय नहीं छूटा है। अब ये दूसरा जो एनआरएचएम घोटाला, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंतर्गत ग्रामीण भाग में जो आरोग्य की सेवा, अलग अलग प्रकार के अस्पताल में अच्छी सेवा उपलब्ध हो, जननी सुरक्षा योजना हो, या किसी भी ग्रामीण भाग के व्यक्ति को फोन करने के 20 मिनट के अंदर उसके घर पर एम्बुलेंस पहुंचे, क्या हालत की है कि इस योजना की? कांग्रेस के 5 नेता इकट्ठे आ गए, एक कंपनी बना दी, दिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसमें कौन कौन है? सन्मान्य चिदंबरम के सुपुत्र कार्तिक चिदंबरम इसके डायरेक्टर है, केंद्र के मंत्री सचिन पायलट ने दो औरों के साथ में मिलकर यह कंपनी बनाई, वायलर रवि के लड़के रवि कृष्णा इसमें है, राहुल गांधी के सेक्रेटरी सफी माथेर है, श्वेता मंगल और एक राजस्थान कांग्रेसी नेता की संतान है। इन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई और राजस्थान में हाहाकार मचा दिया, जिसको हम बोलते हैं ना घोस्ट पेशेंट, फर्जी बिल, एक ही पेशेंट को 3-3 बार अस्पताल ले जाया गया, इस प्रकार से बिल, एक एम्बुलेंस में 243 पेशेंट अस्पताल में लेके गए, इस प्रकार के बिल बनाए, और गहलोत की कांग्रेस सरकार ने पेमेंट भी किया। तो घोटाले हर एक मंत्रालय में घोटाले निकाले इन्होंने, पर हर एक मंत्री ये सोचता है, जैसे एक डिपार्टमेंट हम कहते हैं ना, तो मराठी में इसको बोलते हैं खाता जी, और खाता का दूसरा अर्थ मराठी में होता है खाना, जो कहते हैं ना खाता, तो वो कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मंत्रालय मिलना चाहिए, क्योंकि वहां मुझे ज्यादा खाने को पैसा मिलेगा, इस प्रकार की अवस्था है। जैसे आपने हमें बताया, हम कह सकते हैं कि वंशवाद सिर्फ रजवाड़ों में नहीं, भ्रष्टाचार में भी चलता है, अपने बच्चों का भी लोग भला सोचना चाह रहे हैं शायद। सर, अगला प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक समय कांग्रेस जो महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू ऐसे नेताओं से जुड़ी हुई थी, आज उसमें पी चिदम्बरम, कृपा शंकर या सुरेश कलमाड़ी जैसे नाम सामने आते हैं, आखिर ये जो परिवर्तन है कांग्रेस का एक महान नेताओं से लेकर और आज जो भ्रष्ट नेता हैं, क्या वजह है इसके पीछे, ऐसे परिवर्तित क्यों हो गई है? गांधी परिवार जी। जो मॉडर्न गांधी परिवार ने वो महात्मा गांधी के नाम से देश में सत्ता हथियाने का एक अच्छा साधन बना लिया, और फिर राजीव गांधी हो या राहुल गांधी हो, अभी आप देख रहे हो वर्तमान में वापस बोफोर्स घोटाला बाहर आया जी, बिल्कुल। और क्या आया उसमें, राजीव गांधी ने अपनी बीवी के दबाव में आकर अपने खास मित्र अमिताभ बच्चन, जो राजनीति में आना नहीं चाहते थे लेकिन राजीव गांधी के समर्थन के लिए मैदान में उतरे, और उसी का नाम फंसाया। तो ये आप अभी महात्मा गांधी, आप जानते हो ये जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब जो गांधी है, ये तो लूटने का काम करते हैं। इन्होंने एक महात्मा गांधी नरेगा योजना बनाई जी, रोजगार मिशन, और उसमें क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी की योजना के नाम पे भी लूट रहे हैं। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर में जम्मू में कथुआ जिले में, वहां पर एक सड़क बनी है, कच्ची सड़क, इस साइड से आप जाते हो तो वहां बोर्ड लगाया है कि इस सड़क का निर्माण नरेगा के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत किया गया, और दूसरी साइड से अगर आप प्रवेश करते हो तो वही सड़क के ऊपर बोर्ड लगा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण हुआ है। एक ही सड़क, दो गांधी के नाम, और दोनों में पैसा कलेक्ट करके ये कांग्रेस ही गांधी भाग गया। गांधीवाद एक बड़ा कारण है, गांधी परिवार जो है कांग्रेस की इस भ्रष्ट छवि के पीछे, डॉक्टर सोमैया का ऐसा कहना है।
बोफोर्स घोटाले की हम सर बात कर रहे हैं, फिर दोबारा से ये जो बोफोर्स घोटाला उजागर हुआ है, ये भी बीजेपी ने भी कहा है कि आखिर क्वात्रोची को क्यों सामने वहां या भारत से बाहर भगाने में भी कांग्रेस का ही हाथ है, और सोनिया गांधी और क्वात्रोची के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन है, सवाल का जवाब मांगा है बीजेपी ने, लेकिन अभी तक शायद कोई सही उत्तर मिल नहीं पाया है। क्या वजह है इसके पीछे? मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सब पेपर जला दिए गए और सीबीआई का उपयोग तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके होता है, तो दूसरी कौन सी एजेंसी इसकी जांच करेगी? और जब सोनिया गांधी का स्वयं का नाम आएगा तो कौन से मंत्री में हिम्मत है वो कि इसके सामने आवाज उठाए? हर एक जन अपने अपने स्विस बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करने में जुटा है, तो ये क्वात्रोची और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये अत्ती बात कभी बाहर नहीं आएगी। ये तो स्विट्जरलैंड के पुलिस अधिकारी ने मुंह खुला तब जाके अमिताभ बच्चन 25 वर्षों के पश्चात अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए। मुझे तो अमिताभ बच्चन का वो वाक्य बहुत यहाँ पर, यानी यहाँ जिस व्यक्ति में संवेदनशीलता होती है वो तुरंत सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन की माफी मांगती। उसने कहा कि उस दिन मेरे पापा ने पूछा कि बेटा अपने हाथ से कोई गलत काम तो नहीं हो गया है ना? अमिताभ ने कहा, मैंने तो कहा मेरे पापा को कि नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अंतिम श्वास तक हरिवंश राय बच्चन उस शंका कुशंका के बीच में परलोक गए। वो कह रहे काश ये चीज मेरे पिताजी जीवंत होते बाहर आती तो मुझे कुछ अच्छा लगता, समाधान होता। ये बात तो खैर अब साफ हो गई है कि अमिताभ बच्चन इसमें दोषी नहीं थे, उनके ऊपर जबरदस्ती उन्हें इस मामले में घसीटा गया है। आखिर में सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस एक अंतरराष्ट्रीय, कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं देश पर सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने ही करा है आज तक, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी देश की छवि कहीं ना कहीं गिरी है। अभी जैसे SNP की रिपोर्ट आई है, उसमें उसकी भी बात करें तो देश की छवि पूरे विश्व में धूमिल हुई है। ऐसा है कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है वो हर साल कौन से प्रदेश देश में कितनी पारदर्शिता है उसके हिसाब से उस देश को प्रामाणिकता का क्रमांक देती है। उन्होंने लिखा है कि गत 2 साल में हिंदुस्तान पारदर्शिता में 72वें नंबर पे था, लेकिन 2 साल में वो 95 नंबर पे पहुंच गया। यानी इतने हम नीचे गए गत 2 साल में। गत 2 साल में एक के बाद एक घोटाले बाहर आने लगे, लोकायुक्त से लेके कैग ऑडिटर से लेके चीफ विजिलेंस कमीशन हो, या छोटे से ऊपर तक नीचे का न्यायालय होगा या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये सब और अन्ना हजारे जैसे सामाजिक व्यक्ति, छोटी मोटी सामाजिक संस्थाएं, ये सब अब मैदान में आने लगी है। अब बस तो हिंदुस्तान का क्रमांक IPL में सेंचुरी सचिन तेंदुलकर कब लगाता है वो इंतजार करते हैं, लेकिन आज विश्व में हिंदुस्तान भ्रष्टाचार में 100 नंबर में कब पहुंचता है उसकी चिंता हमें होने लगी है। बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार के मामले में हिंदुस्तान कब 100वें नंबर पे पहुंचेगा, क्योंकि फिलहाल तो बढ़ोतरी ही चली जा रही है। डॉक्टर सोमैया ने यह प्रश्न उठाया, उन्होंने ये भी बताया है, मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगी क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, कि CBI अब कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। इसी के साथ हम अपनी आज की ये मुलाकात समाप्त करेंगे। सर, आपका आपने हमें टाइम दिया हमारे स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम अपनी ये श्रृंखला जारी रखेंगे और कांग्रेस मतलब करप्शन, इसके पीछे कितना सच है, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।